अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इम कर रहा था कि चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों आप हमारा अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर कीजिए ताकि आपको हमारे हर नए आने वाली वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फेडरल रिपब्लिक कमीशन की तरफ से CSS एग्जामिनेशन 2024 के लिए प्रीलिमिनरी टेस्ट का शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। तो उसके एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे दोस्तों, अगर आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट चाहिए, इसका आपको चलान चाहिए, वीज चलान चाहिए और इसके जो रूल्स हैं इसके बारे में, अगर आपको इन सबके एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट है www.ilmkarasta.com, वहाँ की वेबसाइट से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ईजीली। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर दें। दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। FPSC की वेबसाइट पर 12 सितम्बर की ये डेट है इसकी। फेडरल पब्लिक कमीशन जो है जो CSS के लिए टेस्ट लेगा वो 19 नवंबर 2023 को यानी संडे वाले दिन आपका इसका टेस्ट कंडक्ट होगा। और जो टेस्ट हैं वो पाकिस्तान के 19 बड़े शहरों में टेस्ट कंडक्ट होगा। तो आप अपने शहर का देखिएगा कि अगर आप जिस शहर में आपको एलिजिबल है तो आप वहाँ पर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा टेस्ट के लिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, उम्र आपकी 21 से 30 साल होनी चाहिए। इसमें आपको अपर एज लिमिट है भी 2 साल की इसमें मुहैया की गई है। जो कट ऑफ डेट है यानी एलिजिबिलिटी का जो आपकी जो एज जो डिटरमाइन की जाएगी वो 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से की जाएगी। और ऑल एप्लीकेशन में अप्लाई ऑनलाइन फॉर प्रिलिमिनरी MCQ टेस्ट ड्यूरिंग पीरियड 28 अगस्त टू 12 सितम्बर। जो है इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है वो 12 सितंबर है। तो दोस्तों उसमें लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिएगा, पहले अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट डेट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वेबसाइट के ऊपर, तो इससे अप्लाई करना रह जाता है फिर। और इसका जो आगे जो सिलेबस है इसका भी हम डिस्कस करेंगे, MPT का क्या क्या सिलेबस है। दोस्तों इसकी जो फीस है वो 250 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। वो आप किसी भी अपने करीबी नेशनल बैंक से या ट्रेड बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, कहीं से भी आप इसकी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और जब आप जो एडमिशन सर्टिफिकेट हैं वो आपकी इनकी FPSC की वेबसाइट पे ही अवेलेबल होंगे। बाकी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आपको अपना CNIC नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको अपनी सारी चीज़ें करेक्ट लिखनी है। कोशिश कीजिएगा एक ही वन को भी ही आप चीज़ें करेक्ट लिखते हैं क्योंकि बाद में एप्लीकेशन एडिट नहीं होती। तो दोस्तों हम इसका देख लेते हैं, ये इसका यहाँ पर फीस चलान है, ये आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था वहाँ से इसको ईजी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिलअप कर सकते हैं। तो उसका दूसरा इनके रूल्स पर आ जाते हैं। इसमें उन्होंने यहाँ पे कहा अपने रूल्स कुछ बयान किए गए हैं। पहले हम उनके सिलेबस को देख लेंगे। जो आपका MPT का जो सिलेबस है उसमें इस्लामिक स्टडीज है वो 20 मार्क्स का यानी टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 20 मार्क्स आपके इस्लामिक स्टडीज़ के होंगे। उर्दू इंक्लूडिंग ग्रामर यूजेज और ट्रांसलेशन है वो आपकी 20 मार्क्स की होगी। इंग्लिश की वोकेबलरी ग्रामर कॉम्प्रीहेंशन ये आपकी 50 मार्क्स की होगी। और जनरल एबिलिटी आपका टेस्ट होगा यानी आपके मैट्रिक लेवल पर होगा, जिसमें आपकी अलजबरा आ जाती है या लॉजिकल रीजनिंग ज्योमेट्री आ जाती है या मैथ्स आ जाती है, तो ये 60 नंबर का होगा। और जनरल नॉलेज में आपका एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, ये 50 नंबर का है। तो टोटल आपका ये 200 नंबर का ये पेपर होगा ये। और जो नॉन मुस्लिम थे उनके लिए जो है ये सिविल्स एंड एथिक्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। दोस्तों यहाँ पे जो इनके रूल्स हैं ये पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 200 मिनट्स का आपका ये टेस्ट होगा, यानी 200 मिनट्स के अंदर आपको 200 MCQ इसके सॉल्व करने हैं। और जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है ये साल में एक ही मरतबा होता है, यानी जब आपका CSS का शेड्यूल जारी होता है, CSS के रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको MPT क्वालिफाई करना लाजमी होता है और ये साल में एक ही मरतबा होता है। इसके जो टेस्ट पासिंग मार्क्स हैं, क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, 33% है, 33 नंबर आपको यानी इसमें कम से कम लेने पड़ेंगे। और इसमें जो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू प्रीलिमिनरी टेस्ट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू क्लोजिंग डेट, इसमें ही लिखा गया कि आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों मैं भी इसमें एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको MPT में अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।